बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी का और पूरे बुंदेलखंड का सबसे पुराना महाविद्यालय। इस महाविद्यालय की स्थापना हुई 12 जुलाई 1948 को और इसके बाद से महाविद्यालय पूरे झांसी और बुंदेलखंड के लिए शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये महाविद्यालय अब अपने 75 वर्ष मनाने जा रहा है। ये महाविद्यालय अपना अमृत वर्ष मनाने जा रहा है और इस महाविद्यालय का एक अपना शानदार इतिहास रहा है। क्या केंद्रीय मंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक और यहाँ तक कि जिनको अब सरकार गैंगस्टर कहती है वो भी, उन सब ने यहाँ से पढ़ाई की। यहाँ से पढ़ने वालों में केंद्रीय मंत्री मोहन प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, झांसी के मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा, झांसी के मौजूदा सदर विधायक रवि शर्मा, मौजूदा MLC बाबूलाल तिवारी, शिक्षक MLC बाबूलाल तिवारी, जो खुद यहाँ के स्टूडेंट रहे, यहाँ के प्राचार्य रहे और इसके बाद वो यहाँ से बन गए शिक्षक MLC। और इसके साथ ही यहाँ पर कई राजनेता यहाँ से पढ़े, पूर्व सदर विधायक चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव यहाँ से पढ़ाई करके निकले। इसके अलावा दीप नारायण सिंह यादव, गरोठा के पूर्व विधायक, जो अब मशहूर लेखराज प्रकरण में फिलहाल उन पर गैंगस्टर का केस चल रहा है, वो भी यहीं से पढ़े। और इसके साथ की कई बड़े राजनेताओं ने यहाँ से पढ़ाई की है। इसको राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल संतोष कुमार राय से, जो बताएंगे कि क्या रही पूरी महाविद्यालय की यात्रा। बुंदेलखंड कॉलेज झांसी आज़ादी के तुरंत बाद 1949 में महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और इस बुंदेलखंड परिक्षेत्र का सबसे प्राचीनतम महाविद्यालय है। उस समय यह महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था, आगरा के बाद पुनः कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ और 1975 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त हुई। ही राजनैतिक क्षेत्र में भी बुंदेलखंड परिक्षेत्र का अधिकतम जनप्रतिनिधि, हम कह सकते हैं आज गर्व के साथ, कि इसी महाविद्यालय के उपज है। आज वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा जी, रवि शर्मा जी, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में निर्वाचित हुए शिक्षक MLC डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, हमारे माननीय गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत जी, महोबा विधायक राकेश गोस्वामी जी, ये वर्तमान में भी अभी जनता की रहनुमाई करने का काम कर रहे हैं। पूर्व में भी महाविद्यालय में के पूर्व विद्यार्थी भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, दीप नारायण सिंह यादव जी, कैलाश साहू जी, इस तरीके से तमाम नाम हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखते हैं। तो आपने सुना प्रोफेसर एस के राय को, जो कि BKD के मौजूदा प्राचार्य हैं और लंबे समय से यहाँ कामकाज देख रहे हैं। उन्होंने बताया कैसे कल दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, कल हवन होगा, रक्तदान शिविर होगा, दिव्यांगजनों का सम्मान होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, इसके अलावा वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम होंगे। तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो कल इस अमृत महोत्सव को, बुंदेलखंड महाविद्यालय के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए किए गए हैं और तमाम तैयारियाँ हैं जो की जा रही हैं और जल्द ही ये पूरा काम होगा और बुंदेलखंड महाविद्यालय कल अपना अमृत वर्ष मनाएगा। लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।